कटिंग मशीन हमारी लहसुन काटती भी है पूंछ उसकी और उसका ग्रेडिंग भी करती है, उसे फोड़ती भी है। एक हमारे पास में बहुत ही नई मशीन आई है, ये खाद फेंकने वाली मशीन है। ऊपर डालना है, जैसे फोड़ने वाली चीज इसमें डालनी है और ग्रेडिंग करने वाली यहाँ से खोल के इसमें डालनी है। आगे लगेगी ये, आगे लगेगी ये पीछे का मॉडल है। ये धान के अपने डंठल को काटती है, ये चाफ कटर है, ये लहसुन फोड़ने की, मूंगफली फोड़ने की, अरंडी फोड़ने की। इसमें किसान भाइयों के लिए छोटी फसलें जो भी होती है, अपने मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, वो काट के और एक तरफ ये इसके हाथ से कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष खंडेलवाल चंबल एग्रो इंडस्ट्रीज कोटा से आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार मशीन है। ये मशीन हमारी लहसुन काटती भी है पूंछ उसकी और उसका ग्रेडिंग भी करती है, उसे फोड़ती भी है, दूसरा अनाज ग्रेडिंग भी करती है। तो ये कहाँ से कैसे काम करती है सर? ये इसमें तो उधर से तो लहसुन की पूंछ कटती है और इसमें आके उसे ग्रेडिंग हो जाती है। अच्छा, छोटा बड़ा इसमें लहसुन का ये होपर है, इसके अंदर लहसुन अपन डालते हैं तो लहसुन की कली खिल जाती है, अलग अलग हो जाती है। अच्छा, कली खोलने के लिए है। खोलने के लिए। और इधर है आगे वाला होपर, इसमें अपना गेहूं ग्रेडिंग, मूंग, सोयाबीन, उड़द सब ग्रेडिंग हो जाता है। उसके बाद में यहाँ आती है, बिल्कुल गंदगी साफ हो जाती है उसकी और क्वालिटी अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो वो किसान भाई से अलग होता है सर? ये इसमें आने के बाद में ये चढ़ना चेंज हो जाता है और ये इसमें आता है बारीक अलग, मोटा अलग और मिट्टी अलग कर देती है। अच्छा, ये बहुत ही काम की और बहुत जोरदार मशीन है किसान भाइयों के लिए। तो सर अच्छा, इसकी प्राइस क्या है सर? ये लगभग मोटर और ट्रैक्टर से चलती है दोनों सिस्टम के साथ में, 1,40,000 है। अच्छा, इसके अंदर गेहूं कटाई होती है, साथ में उसकी बंदाई होती है और किसान भाइयों के लिए बहुत आधुनिक यंत्र है। इसकी बहुत ही विशेष खूबी है कि गेहूं को काट के यहाँ से पूला निकलता है और यहाँ पे उसकी बाइंडिंग हो जाती है और ये पूला निकाल के एक तरफ जमाती हुई जाती है, ये ट्रैक्टर में आगे लगती है। आगे लगेगी ये, आगे लगेगी ये पीछे का मॉडल है। अच्छा, जिसमें ट्रैक्टर रिवर्स में चलेगा। अच्छा, और ये भी वही काम करेगी और पुला बनाएगी। इसमें बैक में रिवर्स में ट्रैक्टर चलेगा। बहुत ही जबरदस्त मशीन लेके आए, इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें टाइमिंग के अंदर 7 गियर है। अच्छा, इसमें गियर ज्यादा होने की वजह से टाइमिंग पूरी प्रॉपर बैठती है और मैं किसी में 2 गियर है, किसी में 3 गियर है, तो इसमें हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा, और इसमें यहाँ से माल निकलता है और ये नीडिल के माध्यम से यहाँ पे बंडल बांधती है, उसके बाद में बंडल साइड में ट्रैक्टर के टायर के साइड में निकाल देती है, उससे आदमी उठा के उसे फिर बाद में थ्रेशिंग कर लेता है। इसमें सोयाबीन के लिए ग्रेडिंग होती है, ऊपर से इसमें होपर में डालते हैं और इसमें बीज साफ हो जाता है, बिल्कुल कटा हुआ दाना, मिट्टी, ढूंढली सब अलग हो जाता है और नीचे आके आप। तो सर ये तो दूसरी कंपनियां देती है, आप क्या बेहतर है इसमें सर? इसमें हैवी ड्यूटी है, इसमें 35 किलो वजन है इसमें और ये 6 पाइप लगे हुए हैं और कंपनियों में 3 पाइप या 4 पाइप का मॉडल आता है, ये 6 पाइप का मॉडल है और इसमें सब्सिडी भी है किसान भाइयों के लिए, 3,000 तक की इसमें सब्सिडी मिल जाती है। बाकी इसकी कीमत क्या है सर? इसकी लगभग 7,500 रुपए कीमत की। और क्या? और ये चाफ कटर है, इसमें किसान भाइयों के लिए जिनके पशु आहार है उन्हें कुट्टी करने के लिए बहुत आधुनिक मशीन है। इसमें यहाँ से रचका, बरसीन, सूखा चारा सब जाता है अंदर, ये लाइट से चलेगा, यहाँ मोटर रखाई में आएगी और इसकी बेल्टियां आ जाएगी, इससे आप माल ऊपर भी निकाल सकते हैं और नीचे भी निकाल सकते हैं। जैसे गीला माल है तो ऊपर निकाल सकते हैं, सूखा नीचे निकाल। तो इसकी कीमत क्या है सर? इसकी माय मोटर 35,000 रुपए कीमत है। तो सर इस पे भी सब्सिडी है? इस पे भी 10,000 रुपए की सब्सिडी। और क्या मशीन लेके आए हैं सर? और ये रिवर्सिबल एमबी पुलाव है, हाइड्रोलिक है, ये अपने ट्रैक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर में लाइन लग जाती है, उससे पलटी करता है, जिससे किसान भाइयों के लिए खेत में अपने चलता है, एक बार सीधा जाने के बाद में मेयर ट्रैक्टर खत्म हो जाता है तो बीच में डोली नहीं छोड़ता है कहीं पे भी। अच्छा, बीच में पलटी खा के आता है दूसरी बार। तो में दूसरी कंपनी से क्या क्यों बेहतर है सर ये? इसमें बोरॉन स्टील लगी हुई है इसलिए बहुत बेहतर है, घिसावट बहुत कम आती है इसमें। इसकी कीमत क्या है और इसमें भी सब्सिडी है क्या सर? इसमें 75,000 इसका मूल्य है बिना डिस्ट्रीब्यूटर के, अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसके ट्रैक्टर में नहीं होता है तो उसका 5,000 रुपए एडिशनल खर्चा होता है। और इसपे भी सब्सिडी है? इसपे भी सब्सिडी है, 22,000 के आसपास की इसकी सब्सिडी है। और सर ये क्या मशीन लेके आए हो? ये लहसुन फोड़ने की, मूंगफली फोड़ने की, अरंडी फोड़ने की, उसके साथ में और फसलें सब नाज ग्रेडिंग करने की। ये बहुत ऊपर डालना है? हाँ जी, इसमें ऊपर डालना है, जैसे फोड़ने वाली चीज इसमें डालनी है और ग्रेडिंग करने वाली यहाँ से खोल के इसमें डालनी है। अच्छा, यहाँ से भी चढ़ना लगा हुआ है, इसमें इस तरीके से वहां से माल घूमता हुआ आएगा और इसमें 3 तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। इधर तो आपका सूखा दाना आएगा बिल्कुल, अच्छा मिट्टी आएगी बारीक, और इसमें मीडियम आएगा और इधर फ्रेश दाना आएगा।
और कैसे ऑपरेट होगी ये सर? ये मोटर से भी हो जाएगी, मोटर इधर लगेगी इसकी और बाकी ट्रैक्टर से चलानी है तो ट्रैक्टर में चल जाएगी। जैसे अच्छा, गांव में कई बार लाइट नहीं आती है तो किसान भाई अपने ट्रैक्टर से भी चला, ये शाफ्ट से जोड़ सकते हैं, ट्रैक्टर शाफ्ट से चलती है। तो सर इसकी कीमत क्या है? इसकी 90,000 रुपए कीमत है, मई मोटर और मई ट्रैक्टर सिस्टम। तो सर इस पे सब्सिडी है? इस पे सब्सिडी नहीं है अभी फिलहाल। बिल्कुल सर। ये क्या मशीन है सर, ये क्या है? ये भी बहुत ही शानदार मशीन है। इसमें किसान भाइयों के लिए छोटी फसलें जो भी होती है, अपने मूंग हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, वो काट के और एक तरफ ये इसके हाथ से कर देती है, जिससे किसान भाइयों के लिए नुकसान नहीं होता फसल का। तो ये एक तरफ जमा देगी उसको? एक तरफ जमा देगी बिल्कुल। ये हाथ चलता है वो चेन के माध्यम से, उधर से घूमता हुआ पूरा आएगा तो इसमें माल जो भी बास्केट में आएगा वो एक तरफ डालती हुई लाइन बनाती हुई चल जाएगी। तो सर ये किसे ट्रैक्टर से चलेगी? ट्रैक्टर से ही चलेगी। इसमें बहुत ही शानदार मॉडल है। इसमें क्या है, दोनों ट्रैक्टर का है। जैसे पीछे अगर आदमी को चलाना है रिवर्स में तो इसमें पीटीओ लग जाएगी, और आगे चलाना है तो इसमें पीटीओ लग जाएगी। ये डबल मॉडल है। पीछे चलाना है तो 3 लिंकेज पॉइंट पे लग जाएगा और आगे लगाना है तो 4 लिंकेज पॉइंट पे लग जाएगा। ये दोनों ही सिस्टम की मशीन, आगे और पीछे ट्रैक्टर के दोनों तरफ, इसको दोनों तरफ चला सकते हैं। जैसे आपका खेत में नमी है तो आपका ट्रैक्टर आगे नहीं चला सकता क्योंकि ट्रैक्टर के टायर जमीन में बैठते हैं। तो ये आप सूखे खेत में चलाना है तब आप आगे चला सकते हैं, और गीला नमी का खेत है तो उसमें ट्रैक्टर के टायर बड़े होते हैं तो वजन ले लेता है तो आप पीछे चला सकते हैं इसको रिवर्स। तो सर इसकी कीमत क्या है, इसपे सब्सिडी वगैरह कुछ है? इसपे 1,20,000 रुपए कीमत है इसकी। हाँ। अभी फिलहाल इसपे सब्सिडी नहीं है क्योंकि ये नई मशीन आई है, इसकी टेस्टिंग में गई हुई है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट टेस्ट करेगी फिर? जी हाँ। एक और मशीन ये है, धान के अपने डंठल को काटती है। जैसे धान काटने के बाद में अपना जो स्ट्रो खड़ा रहता है खेत में, जो लोग जलाते हैं अधिकतर, उससे अपनी जमीन की ड्राइनेस आ जाती है और उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो ये इसके पासे काट देती है। इसके बाद में अपन को रोटावेटर चला देना है और पानी छोड़ देना है, जिससे वो काजल की तरह बिछ जाएगा और अपनी खेत की पैदावार भी। अच्छा, ये नीचे इसमें ब्लेडें लगेगी? इसमें ब्लेड लगेगी, अभी फिलहाल खोल रखी है। नई मशीन आई है, इसमें अपने फसल का ये जो चारा होता है ये लोग आग लगाते हैं इसमें, जिससे प्रदूषण भी होता है और जमीन की पैदावार भी खत्म होती है। इसको डंठल में कन्वर्ट, ये गोल गोल घेरा बना देगी इसको? बिल्कुल, ये कंप्रेस करके इसका बेल, धान के स्ट्रोक। और ये बेल आजकल बहुत ही जबरदस्त बिक रहा है क्योंकि आजकल कोयला मिलता नहीं है, तो ये कोयला की जगह उसे कंप्रेस करके छोटे ब्रिक्स बना देता है। और ये मशीन क्या है सर? ये अपने खाद, खाद, ये खाद फेंकने वाली मशीन है। इसमें अपने खाद फेंकते हैं खेत के अंदर, यूरिया ब्रॉडकास्ट करने के लिए काम आती है। 40 फुट एरिया कवर करते हुए चलती है ये, ट्रैक्टर पे लगती है और पीटीओ से चलती है। इसमें नीचे ये जो इसमें लगा हुआ है, बिल्कुल ये थ्रेशर है। तो इसमें क्या क्या सिस्टम है? इसमें अपने पीछे टोकरी है, टोकरी के अंदर माल को डाल दो और ये ऑटोमेटिक ट्रॉली भर देती है पूरा। अच्छा। ग्रेडिंग करके साफ करके माल, 35 HP अबाउट ट्रैक्टर कोई भी चला सकता है क्योंकि नीचे इसमें गेयर बॉक्स लगा हुआ है, गेयर बॉक्स पूरा लोड ले लेता है, उसके बाद में इजीली ट्रैक्टर फ्री चलता है। अच्छा, पूरा लोड ये गियर बॉक्स ले लेगा? हाँ जी हाँ। ये मोटर वगैरह लगी हुई, इसमें से माल आता है और इधर से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ट्रॉली भर। तो दूसरी कंपनी से क्यों बेहतर है ये? तो बाकी कंपनियां भी निकालती है ऐसी मशीनें। तो इसमें हैवी गियर बॉक्स लगा हुआ है जिससे आप छोटा 35-40 HP का भी ट्रैक्टर इजीली चला लेता है। पीटीओ को घुमाने के बाद में ट्रैक्टर पूरा फ्री चलेगा और लोड नहीं पड़ेगा इसमें कुछ भी। वर्ल्ड की बेस्ट रोटावेटर कंपनी है जिसके रोटावेटर अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। इसमें मिनी रोटावेटर से लेके हमारे पास में 10 फुट तक के साइज के अवेलेबल है। मोबाइल नंबर है 9887189317। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9887189317।